एनएक्स के तृतीय ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं इस ऑब्जेक्ट को और बनाने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए इस ऑब्जेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हैं, जैसे कि ये हमारा रिवॉल्व से बनेगा और ये हमारा सब्सट्रैक्ट है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसको बनाने की। सबसे पहले इसके ड्राइंग को देखते हैं। इसकी ड्राइंग ये है, सबसे बिग डायमीटर 80 का है, 50 एंड 40। तो हम इसके पहले होल लेंथ देखते हैं। इसकी पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की 180 है और ये 40, ये 20, ये भी 20, बाकी सब 20 20। तो सिंपल सी ड्राइंग है, चलिए हम बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इस विंडो को हम क्लोज करेंगे और न्यू विंडो लेंगे, पार्ट नंबर 3। सॉरी, इट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब कि इस नाम का उसमें एक और पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, हम 03 करते हैं। और फिर हम स्केच को लेंगे, प्लेन सेलेक्ट करेंगे, ओके, व्यू में जा करके इसको ओरिएंट व्यू टू स्केच करेंगे। चलिए अब हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो एक लाइन लेंगे और होल लेंथ का एक लाइन खींचेंगे, कितना है 180, तो 180 का खींच लिए। अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे सेंटर लाइन में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ें, यहाँ से हम प्रोफाइल को लेते हैं और ऊपर चलते हैं, देखते हैं पहले ड्राइंग को। ये यहाँ से यहाँ तक 25 है और यहाँ से यहाँ तक 40, फिर ऊपर ये पूरा 80 का है, तो यहाँ तक 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक 25 और यहाँ से यहाँ तक 40, ये हो जाएगा 15। तो हम इसको बनाते हैं 25 40, ऊपर की तरफ 15 और फिर देखते हैं एक बार, ये हमारा 20 है और फिर नीचे 15 है, फिर 20, फिर 5, फिर 5 20, फिर 5, चलते हैं क्रम से। ये 20, नीचे 15, फिर से 20, अब 5 हो गया है, तो 5 देते हैं। बहुत ईजी ड्राइंग है, बस थोड़ा सा समझना है। ये भी 20 और ये 5, ये भी 20 5, यहाँ से यहाँ तक 20। अब फाइव यहाँ से यहाँ तक 20 और फिर नीचे 2.5 यहाँ से यहाँ तक 20 और फिर यहाँ से यहाँ तक क्लोज स्केच कर देंगे, मैच कराते हैं इससे। देखेंगे ये 40, ये 20 20 20, तो 20 वाला काउंट करते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और फिर सबसे लास्ट 5 का है, मीन 2.5 का, तो हम इसके डिस्टेंस देख लें, टू पॉइंट फाइव है, ठीक है। इसका मतलब हमारे इसके सही है, हम इसको फिनिश करते हैं और फिर रिवॉल्व कमांड लेंगे, स्केच को सिलेक्ट करेंगे और फिर पॉइंट को
यहाँ से वेक्टर पॉइंट, ओके इस केस को हम हाइड कर देते हैं, सॉरी कंट्रोल डब्ल्यू, और हम इस स्केच को हाइड करते हैं, ठीक है, डेटम को भी हाइड कर देते हैं, ओके ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन अभी हम ड्राइंग में देखें, इसमें यहाँ से और यहाँ तक ये सब्सट्रैक्ट गया हुआ है, इसमें ये सेंटर लाइन वही बता रहा है कि नीचे और ऊपर की थिकनेस 5x5 है और अंदर ये 40 डायमीटर का 40 डिस्टेंस तक ये सेल किया हुआ है, मतलब सब्सट्रैक्ट किया हुआ है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम स्केच लेंगे और इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, ओके व्यू में जाकर नॉर्मल व्यू करेंगे और फिर इसमें सर्कल बनाएंगे 40 का, 40 डायमीटर का, और फिर फिनिश से स्केच कर देंगे, एक्सट्रूड डायरेक्शन रिवर्स 40 का रहेगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे सब्सट्रैक्ट, ओके ये हमारा सब्सट्रैक्ट हो गया और ये हमारा बना फाइनल ऑब्जेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।